गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग समझाने वाला हूँ। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग से आपके यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। प्राइस सीलिंग की जहाँ तक बात है तो वो आपके मोनोपोली में भी होता है, परफेक्ट कंपटीशन में भी होता है, प्राइस फ्लोरिंग भी परफेक्ट कंपटीशन में होता है और मोनोपोली में भी होता है। आज के इस वीडियो में मैं प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग मोनोपोली में डिस्कस करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इससे किस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। थोड़ा सा उसको ध्यान से और पेशेंस से देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए प्लीज़, आपको पता है कि मोनोपोली का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ध्यान से देखिए, दिस इज आपकी यहाँ पे क्वांटिटी होती है और यहाँ पे आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्राइस होता है। मतलब वर्टिकल एक्सिस पे आपने कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्राइस लिया, यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिया एंड उस केस में आप देखते हैं तो ये आपका एआर कर्व बनता है, एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व, राइट। और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। यदि किसी भी तरह का कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी ना ही गवर्नमेंट का किसी तरह का रेगुलेशन है और ना ही किसी अथॉरिटी का, किसी सोशल और प्रेशर ग्रुप का अथॉरिटी है कि आप ये प्राइस चार्ज करो या फिर वो प्राइस चार्ज करो, यानी जब मोनोपोली अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज की बात करता है और उस पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है तो वो वहाँ प्रोड्यूस करता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। यानी हम यदि बात देखें तो हमारे पास ये वाला कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। एंड एक चीज़ आपको मैं बता दे चुकी, आप लोग नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे आपकी ई डी इक्वल्स टू वन होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। और इस एरिया में आप देखिए, यदि इस एरिया में यदि हम बात करें तो यहाँ पे ई डी इज ग्रेटर देन वन, और इस एरिया में यदि हम बात करें तो यहाँ पे ई डी इज लेस देन वन, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कराएंगे और आपको लगेगा कि हमने सही करा है और लेकिन जो आंसर होगा वो एक्जैक्टली गलत हो जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी का आपको ध्यान रखना है। मैं इलास्टिसिटी को यहाँ मिटाऊंगा क्योंकि और भी डायग्राम यहाँ बनाने हैं हमें, तो मैं इसको अभी मिटा देता हूँ फिर आपको बताएंगे, ठीक है। पहले फॉर टाइमिंग, बट इसको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन और मिड पॉइंट के नीचे लेस देन वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन होगा तो क्या होगा, आपकी एमआर जीरो होती है उस केस में। अब आप ध्यान से देखिए, एमआर एमसी यहां मिल रहे हैं, देखिए प्लीज एमआर एमसी यहां मिल रहे हैं तो ये उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है और बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के वो ये प्राइस चार्ज करता है, चार्ज करता नहीं है, दैट इज प्राइस चार्ज बाय मोनोपोलिस्ट। ये आपको, ये मोनोपोली का स्ट्रक्चर होता है। डेडवेट लॉस के बारे में हम बताएंगे बट अभी नहीं, पहले थोड़ा सा अभी हम जिस टॉपिक की बात लेकर के चल रहे हैं वो हम बात करेंगे। अब यहाँ पे यदि गवर्नमेंट कहती है या कोई भी अथॉरिटी ये बात कहता है कि आप ये जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ये वाली जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी मानते हैं आप अकेले हैं, मानते हैं आप सिंगल सेलर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्राइस को इतना प्राइस रख, अपनी प्रोडक्ट का इतना प्राइस रख देंगे कि वो अनअफोर्डेबल हो जाए,
यानी आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या करे, ठीक है गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस है या अनअफोर्डेबल है, तो उसके नीचे कहीं पर भी प्राइस सेट कर सकती है, उसके नीचे कहीं पर भी प्राइस सेट कर सकती है। मान लेते हैं, ये देखिए प्लीज, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये प्राइस सेट करा, ये प्राइस सेट करा, दैट इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस दैट अ मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज। प्राइस सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम, अधिकतम प्राइस वो कितना चार्ज कर सकता है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, प्राइस सीलिंग का मतलब होता है, प्राइस सीलिंग का मतलब है आपके पास, प्राइस सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम प्राइस, यानी मैक्सिमम प्राइस अब मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि आपके ठीक है आप ये चार्ज करो, लेकिन मैं अब आपको रेगुलेट कर रहा हूं, मैं आपको आदेश दे रहा हूं, ये हमारा ऑर्डर है और पब्लिक के हित में भी है कि आप पीसी से ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करेंगे। अब आप देखिए क्या होता है, यदि पीसी से प्राइस ज़्यादा नहीं चार्ज करेगा तो वो, अब देखिए उसकी डिमांड कब यहाँ मिल रही है, मिल रही है, तो यह आपके पास क्यू स्टार वन आ गया आपके पास, यानी मोनोपोलिस्ट ने अपनी आउटपुट बढ़ा दी, मोनोपोलिस्ट ने अपनी आउटपुट बढ़ा दी, बिकॉज कि यहां पे एमआर पॉजिटिव है। यहां पे मैं आपको लिखता हूं, सो एट पीसी मोनोपोलिस्ट इंक्रीज्ड इट्स आउटपुट, इंक्रीज्ड इट्स आउटपुट, इट्स आउटपुट टू क्यू स्टार वन एज, बिकॉज ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी भी एमआर उसका पॉजिटिव है, अभी भी एमआर उसका पॉजिटिव है, यानी एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने से उसकी टोटल रेवेन्यू बढ़ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। एमआर पॉजिटिव का मतलब है कि एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने से उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब देखिए, एज एमआर इज पॉजिटिव, एमआर इज पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है यहां पे, एज एमआर इज पॉजिटिव, देख लीजिए आपके सामने यहां पे देख रहे हैं आप लोग, एमआर पॉजिटिव है। अब सपोज कि गवर्नमेंट कहती है ये यदि प्राइस पीसी नॉट उसने लगाया तो उसने आउटपुट बढ़ा दिया, वो आउटपुट बढ़ा दिया यहाँ पे। अब एक और केस मैं लेता हूँ जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि देखो भैया आप प्राइस ना परफेक्ट कंपटीशन के बराबर चार्ज कर लो, ये वाला प्राइस चार्ज कर लो, ये वाला प्राइस चार्ज करो, यानी पीसी वन चार्ज कर लो, पीसी नॉट नहीं पीसी वन चार्ज कीजिए, तब मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, आउटपुट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ऑब्वियसली बढ़ाएगा, अभी भी उसका एमआर मतलब जीरो आ गया, बट अभी भी उसका घाटा नहीं, मतलब टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, घट नहीं रहा है बट कि मैक्सिमम पे है। यानी मेरा मतलब यह है कि यदि मोनोपोलिस्ट को रेगुलेट किया गया पीसी नॉट पे या फिर पीसी वन पे, तो अपनी आउटपुट यहां से एंड यहां तक वो बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन 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 एक और केस और देखिए, लेकिन यदि मोनोपोलिस्ट को ये कहा गया कि आप ये प्राइस चार्ज करो, आप ये वाली प्राइस चार्ज करो, यानी पीसी टू चार्ज करो, तो क्या करेगा वो, तब वो क्या करेगा, मार्केट को छोड़ देगा। जब तक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती वो मार्केट को छोड़ देगा, बिकॉज उसका एमआर इस डिमांड पे उसका एमआर कब क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, इस पे एमआर कब उसका नेगेटिव आ गया, देख रहे हैं आप लोग नेगेटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोनोपोलिस्ट
विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव एंड ईडी इज इक्वल्स टू वन और ग्रेटर देन वन। यहां पे मैं आपको उसको इसको लिखना भी चाहता हूं इसको। सो आपको पूरे का ये सिस्टम हुआ कि मोनोपोलिस्ट, ये देखिए मोनोपोलिस्ट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन ऑपरेशन का क्या मतलब है, अपनी फैक्ट्रियां चलाता रहेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा, कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव और ईडी इज इक्वल्स टू वन और ग्रेटर देन वन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन वन, यहां पर वो ऑपरेट करेगा। यानी जब तक उसका एमआर पॉजिटिव हो या फिर ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो ग्रेटर देन वन हो या फिर इक्वल टू वन हो, तब तक वो अपना ऑपरेट करेगा। तो ये होता है प्राइस सीलिंग का इंपैक्ट ऑन मोनोपोलिस्ट। अब देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन आता है कि यह तीन प्राइस आपको दे देगा, डायग्राम बना करके तीन प्राइस दे दिया और बताया कि कहां तक वो ऑपरेट करेगा, किस प्राइस पे वो ऑपरेट करेगा, किस प्राइस पे मार्केट को वो छोड़ देगा। यहां पर भी ये भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब प्राइस सेलिंग लगा तो डेडवेट लॉस पे क्या फर्क पड़ा, तो अब उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इनिशियल डेडवेट लॉस कितना था ये देख लीजिए, आप लोग पास इनिशियल डेडवेट लॉस, इसको ब्लैक से बना तो ब्लैक से ही दिखा रहे हैं, ये देखिए इनिशियल डेडवेट लॉस आपका ये था, ठीक है, इनिशियल डेडवेट लॉस ये है आपका, ध्यान दीजिए आपके पास सामने। लेकिन यदि प्राइस सेलिंग पीसी नॉट लगा दिया गया, यानी आप गवर्नमेंट ने कहा कि पीसी नॉट से ऊपर आप प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, उस केस में देखिए, उस केस में आपका डेडवेट लॉस घट गया, ये देखिए डेडवेट लॉस घट गया, इतना ही बचा, पहले वो ब्लैक वाला था ये वाला पूरा ट्रायंगल, अब ये घट करके रेड वाला बच गया। लेकिन अब तो मतलब प्राइस सेलिंग से छोटा हुआ डेडवेट लॉस। एंड दूसरा केस, यदि उसने पीसी वन यानी ब्लू वाला लगाया, ब्लू वाली लाइन पे आपके पास प्राइस सेलिंग लगा, तो फिर डेडवेट लॉस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, डेडवेट लॉस जीरो, क्योंकि वो प्राइस के बराबर एमआर के एमसी के बराबर ही वो प्राइस चार्ज करता है। सो यहां आप देख लीजिए, मैं आपको इसको लिख भी देता हूं, इसको आपको लिख भी देता है, दैट इज एट डेडवेट लॉस इज ग्रेटर और डेडवेट इज लेस, आप इसको कह सकते हैं लेस इन प्राइस सीलिंग। फाइन, प्राइस सीलिंग डेडवेट लॉस इज लेस इन प्राइस सेलिंग देन विदाउट प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग में डेडवेट लॉस कम होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो इस तरह से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, और जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा दिमाग खुला होना चाहिए। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, आपके पास टैक्सेस, सब्सिडी, ये सब चीजें आपके डेडवेट लॉस को, आउटपुट को, वेलफेयर को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। एंड
इस तरह के सारे क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया है किसमें, अपने पेड वीडियो वाले कोर्स में। यदि आपको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़िए। ऑब्वियसली फ्री नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपको बेस्ट तैयारी कराऊंगा एंड आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगा। अब थोड़ा और देख लेते हैं यहां पे। ये तो था प्राइस सेलिंग और दूसरा है प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस सेलिंग में आप मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम चार्ज कर, आपको सील कर दिया गया यहां पे। अब इसके ऊपर आप प्राइस के ऊपर उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, सीलिंग कर दिया गया, आपको मैक्सिमम अधिकतम प्राइस को सेट कर दिया गया। अब आप प्राइस फ्लोरिंग देख लीजिए, अब इसको मिटाना पड़ेगा प्राइस फ्लोरिंग के लिए। कभी कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। आपने कई बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम सुना होगा, किसानों को दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार किसी ऐसे गुड्स पे प्राइस, उसका मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि देखिए इस गुड्स का प्राइस इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसका नीचे नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने उसकी प्राइस फिक्स कर दी, राइट? गवर्नमेंट ने उसकी प्राइस फिक्स कर दी। अब उसको थोड़ा सा देखना, मान लेते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करता है, तब क्या होगा? यदि वो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करता है तब देखिए क्या होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मोनोपोलिस्ट का स्ट्रक्चर है, दिस इज AR एंड दिस इज MR, राइट? ये है आपकी क्वांटिटी और यहां पे आपका कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्राइस, ये तीन चीजें होते हैं यहां पे। फाइन, ये आपको समझने के, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वाले डायग्राम में बताया था आपको कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, यानी मोनोपोलिस पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन और किसी तरह का रेगुलेशन नहीं है, तो वो ये वाली आउटपुट वो प्रोड्यूस करता है। फाइन, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है और यहां MRMC उसको यहां मिल रहे हैं, तो ये वो क्यू स्टार नॉट प्रोड्यूस करता है और ये प्राइस चार्ज करता है, ठीक है? ये वाली वो प्राइस चार्ज करता है, ठीक है, मोनोपोलिस्ट के प्राइस। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट, किसानों के ही केस में ले लीजिए कि किसानों को हित को सुरक्षित रखने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि ठीक है, आप जो भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं आप मार्केट में बिक जाए तो ठीक है, अदरवाइज इस प्राइस पे हम खरीद लेंगे। बेसिकली एक तरह से ये किसानों के लिए इंसेंटिव होता है कि आप प्रोड्यूस करो, आप फसलें उगाइए, बेचने की चिंता आप हम पे छोड़ दीजिए। यदि आपकी फसल नहीं बिक पा रही है तो उसको हम खरीद लेंगे, राइट? अब देखिए उस केस में होता क्या है, उस केस में क्या होता है। जनरली मैं यहां पे थोड़ा इसको लिखना चाहता हूं कि मिनिमम प्राइस, प्राइस फ्लोरिंग का मतलब होता है मिनिमम प्राइस। ये देखिए, प्राइस फ्लोरिंग का मतलब है, फ्लोरिंग का मतलब है मिनिमम प्राइस, यानी मिनिमम प्राइस, प्राइस इसके ऊपर इसके नीचे नहीं जाएगा, मिनिमम प्राइस। फाइन, मिनिमम प्राइस फिक्स्ड, मतलब इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। तो
अब ये तो प्राइस चार्ज कर ही रहा है मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट को ये इंसेंटिव दे रहा है कि ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा हम उसको इस प्राइस पे खरीद लेंगे, और इसको हम बोलते हैं प्राइस फ्लोरिंग, यानी इसके नीचे आपका प्राइस नहीं जाएगा, इस पे तो मैं खरीद ही लूँगा। तो उस केस में आप देखते हैं मोनोपोलिस्ट किस तरीके से बिहेव करता है, मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अपनी आउटपुट बढ़ाएगा कि आउटपुट घटाएगा, देख लेते हैं प्लीज़। अब आपके दिमाग में एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्राइस फिक्स्ड कब होता है, और जब प्राइस फिक्स हो जाता है तो एआरएमआर बराबर हो जाता है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस प्राइस से प्राइस फिक्स हो गया, इसके नीचे नहीं आएगा प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में आपने पढ़ा है, प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा तो आपका एआर ये हो गया, ये देखिए एआर ये हो गया, यानी ए बी सी, यानी ए आर वन अब ये हो गया, ए आर नॉट तो ये था, ए आर वन अब ये हो गया, दैट इज सी ए बी सी। एंड एम आर क्या हो गया, एम आर भी देखिए एम आर भी यहां तक आया, क्योंकि जब प्राइस फिक्स हो जाता है तो ए आर एम आर बराबर हो जाता है, तो यहां पे प्राइस फिक्स हो गया, तो यह हो गया आपके पास एम आर, राइट। तो ये हो गया एम आर वन, ठीक है। ए आर इसको बराबर तो नहीं लिखेंगे, इसको कॉमा कर देते हैं, क्योंकि एम आर यहां से यहां गया है और ए आर यहां से यहां गया है। अब आप बड़ी ही आसानी से उसको देख सकते हैं कि एम आर एम सी कहां मिल रहा है, एम आर एम सी यहां मिल रहा है, ये देखिए। तो अब आपकी क्वांटिटी एट प्राइस फ्लोर ये आ गया क्यू एफ नॉट, लेकिन प्रॉब्लम एक और आ गई यहां पर, वो क्या है, वो है कि इस प्राइस पे इसकी डिमांड घट गई, ये देखिए, यानी क्यू एफ एस नॉट, यानी क्वांट सॉरी यहां पे डिमांड ये है, तो इतना सारा आपका एक्सेस आउटपुट हो गया। अब वो एक्सेस आउटपुट क्या होगा, अब वो एक्सेस आउटपुट होगा क्या, क्योंकि डिमांड तो इतनी ही है और सप्लाई इतना है, तो इसको गवर्नमेंट परचेज करती है, यानी इस केस में आपके पास क्यू एफ नॉट माइनस क्यू एफ वन गवर्नमेंट विल परचेज, फाइन, गवर्नमेंट विल परचेज, इसको परचेज करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, परचेज करेगी गवर्नमेंट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट नहीं खरीदती है, यानी यहां पे आउटपुट बढ़ गया, यहां से आउटपुट यहां चला गया, देख रहे हैं आप लोग, पहले आउटपुट ये थी अब आउटपुट ये है, गवर्नमेंट परचेज करती है तब आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, और डेड वेट लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले डेड वेट लॉस ये था, देखिए प्लीज इसको ब्लैक से ही दिखाएंगे, पहले डेड वेट लॉस ये था, देखा आपने, ये डेड वेट लॉस था। अब डेड वेट लॉस आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि एम आर इज इक्वल टू एम सी है यहां पे, तो यहां पे डेड वेट लॉस जीरो हो गया, जीरो डेड वेट लॉस, बिल्कुल जीरो। तो यानी इन दिस केस डेड वेट लॉस इज इक्वल्स टू जीरो, जबकि पहले वाले केस में ये वाला ट्रायंगल होता था। लेकिन यदि गवर्नमेंट नहीं परचेज करती है तो मोनोपोलिस्ट को अपनी आउटपुट घटाना पड़ेगा, अपनी आउटपुट घटाना पड़ेगा, तो कहां पे आ जाएगा वो, पहले आउटपुट ये था अब आउटपुट ये हो गया, तो डेड वेट लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा डेड वेट लॉस। तो प्राइस, कहने का मतलब ये है कि यदि गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर करती है, प्राइस मिनिमम प्राइस फिक्स करती है, तो उस केस में गवर्नमेंट को एक्सेस आउटपुट परचेज करना चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिसी सक्सेस नहीं होगी एंड डेड वेट लॉस उसमें बढ़ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी यदि आपको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है, स्टेप बाय स्टेप हर लेवल पे आपके क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसको जानना है, उसका सोल्यूशन जानना है, तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़िए, मैं गारंटी देता हूँ आपको बेस्ट प्रिपरेशन की, ठीक है। तो और आप मेरे नंबर जो है उस पर आप कॉल कर सकते हैं,
और मेरे टेलीग्राम चैनल इको पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।